तभी अचानक हमला। भीड़ से हमला होने पर सत्तारगम चौकन्ना पीएसओ खतरे को चैलेंज करता खुद को खतरे तथा वीआईपी के बीच में लाता है। इसे हम इंटरपोज कहते हैं। साथ ही वीआईपी को सुरक्षा कवर देते हुए इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जा रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि अंतिम पीएसओ ने भी कारकेट को हैरतअंगेज तरीके से टैक्टिक्स के द्वारा ज्वाइन कर लिया गया है। और वीआईपी कारकेट बड़ा धमाका सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हुए आईडी द्वारा कारकेट को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन गाड़ी आप कंटिजेंसी रूट पर पीछे की तरफ बढ़ती हुई अभी आप देख रहे हैं। और 180 डिग्री का हैरतअंगेज टर्न तथा डिफेंसिव चालकों के द्वारा इस हमले को नाकाम किया गया। सही समय सही निर्णय पूर्ण मंच की अनुपालना। और आप देख सकते हैं वीआईपी कारकेट कंटिजेंसी रूप एक बार फिर से कंटिजेंसी सेफ हाउस की तरफ बढ़ता हुआ। डाकाम हताश हमलावर वीआईपी व्हीकल का दो गाड़ियों से पीछा कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ी की गति को धीमा किया गया है। वास्तविकता में यह गति और भी अधिक होती है। कारकेट का पीछा कर रही गाड़ियों को देखकर पीएसओ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं तथा मुख्य सुरक्षा प्रभारी द्वारा सूचना रूप पर तैनात सीआईएसएफ क्यूआर टीम को दी जा चुकी है। टीम हरकत में आ जाती है। क्यूआरटी टीम हमलावर व्हीकल को घेर कर ब्लॉक करके कार इंटरवेंशन के द्वारा फाइनल असॉल्ट की कार्रवाई करेगी। क्यूआरटी टीम पूरी तरह से क्लियर माइंड से प्रभावी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। उद्देश्य है वीआईपी को सुरक्षित रखना। और अभी आप देख रहे हैं वीआईपी सुरक्षा का मूल मंत्र। अभी आप देख रहे हैं गाड़ी को ब्लॉक किया जा चुका है और आपके सामने हैरतअंगेज तथा दुश्मन को चकित कर देने वाला जबरदस्त आघात। पहले की कार में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति परिस्थिति को समझ पाते क्यूआरटी टीम ने बिजली की गति से हमला करके बिना समय गवाए दुश्मन को काबू में करने का सफल प्रयास किया। वीआईपी सुरक्षा का मूल सिद्धांत है वीआईपी को खतरे से दूर ले जाना या खतरे को वीआईपी से अलग करना। खतरे एवं वीआईपी का मिलना सुरक्षा तंत्र की असफलता माना जाता है। इससे पहले की कार में मौजूद संदिग्ध समझ पाते क्यूआरटी टीम ने बिजली की गति से हमला करके बिना समय गवाए दुश्मन को काबू में कर लिया तथा पूछताछ के लिए लेकर चले गए। पूछताछ में पता चला कि हमलावरों के अन्य साथियों द्वारा किसी बस को हाईजैक करने तथा कार को ब्लास्ट करने की योजना बनाई गई है। आप सभी का ध्यान मैदान की बाई ओर ले जाना चाहूंगा जहां से गुजरती हुई एक बस पब्लिक मीटिंग में आए कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही है। इस बस के यात्री आने वाले खतरे से बेखबर है। आतंकवादी द्वारा इसी बस को हाईजैक करने की योजना बनाई गई है। और अभी आप देख रहे हैं मैदान की दाहिनी ओर दो आतंकवादियों ने फायरिंग करके बस को रोक लिया है और बस में दाखिल हो रहे हैं। इस बस को हाईजैक करने की योजना आतंकवादियों ने बनाई है। आधुनिक हथियारों के स्पर्टों से लैस इजी टारगेट के इंतजार में घात लगाकर बैठे आतंकवादी अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विध्वंसकारी मानसिकता वाले तत्वों द्वारा बड़ी संख्या तथा बड़े स्केल पर कैजुअल्टी होने की योजना उनके रणनीति का हिस्सा होती है ताकि सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बनाया जा सके। यह बस इजी टारगेट हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमलावरों ने बस को हाईजैक कर लिया। हमलावरों ने यात्रियों को बंधक बना लिया है तथा उन्होंने यात्रियों को प्रताड़ित करना चोट पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। अभी किसी तरह की फायरिंग नहीं हो रही है अतः इस सिचुएशन अब फायरिंग की शुरुआत हो गई है। यह होस्टेज का इस सिचुएशन से आगे की स्थिति है। इस एक्टिव शूटिंग की स्थिति में वहां मौजूद क्यूआरटी टीम कॉम्प्रोमाइज अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए बस इंटरवेंशन की कार्रवाई करती है। मुख्यतः इस प्रकार की कार्रवाई एक तेज फिजिकल एसॉल्ट होती है जिससे दुश्मन से सामना होने पर बेझिझक डेडली फोर्स का प्रयोग कर उसे नष्ट किया जा सके। आपके समक्ष चलती गाड़ी में चलती बस में प्रवेश करने का शानदार एवं हैरतअंगेज प्रदर्शन। इस अत्यंत जोखिम भरे कार्य को अंजाम देने के लिए आवश्यकता होती है शक्ति निष्ठा सामर्थ्य और समर्पण की। और इन सभी कार्यों में दक्ष सीआईएसएफ क्यूआरटी के सदस्य बखूबी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। क्लियर विजन तथा कंट्रोल ऑपरेशन का होना बहुत आवश्यकता होता है ताकि हॉस्टेज तथा हॉस्टाइल में फर्क को पहचाना जा सके। और अब आपके समुख पुनः बस से दूसरे छोर पर छत पर क्यूआरटी टीम द्वारा चलती हुई गाड़ी में दाखिल होने का प्रदर्शन शानदार हैरतअंगेज प्रदर्शन। किसी भी विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए सीआईएसएफ पार्कोर ट्रेन ट्रेनिस क्यूआरटी तथा महिला दस्ते को बल इंटरवेंशन के लिए तैनात किया गया तथा स्नाइपर्स भी अपनी अपनी लोकेशन पर पूरी तरह से तैनात है। दस्ते के द्वारा पार्कोर ट्रेनिंग टेक्निक से चलती बस में घुसकर हमलावरों को काउंटर किया जाएगा तथा बस को एक अन्य व्हीकल के द्वारा अभी आपके समक्ष ब्लॉक किया जा चुका है। आप देख रहे हैं महिला स्क्वाड सदस्यों द्वारा टैक्टफुली एडवांस किया जा रहा है। बस इंटरवेंशन करके इवैक्यूएशन एवं सर्च की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं इम्प्रोवाइज क्लाइंबिंग मेथड द्वारा बस की छत पर पहुंचकर छत को क्लियर किया जा रहा है। दक्ष कार्य कुशल एवं प्रभावी आघात करने में माहिर। जी हां, दक्ष कार्य कुशल एवं प्रभावी आघात में माहिर सीआईएसएफ का महिला दस्ता 8500 की संख्या के साथ महिला बल सदस्य हर चुनौती से दो दो हाथ करने को हमेशा तत्पर हमेशा तैयार। परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन सख्ती के साथ महिला दस्ते ने उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं हम आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान एक अन्य फोर्स मल्टीप्लायर का भी महत्वपूर्ण रोल था जो आपके सामने मैदान में मौजूद है। स्नाइपर्स जी हां छदमावरण में माहिर और खतरे के आभास के साथ ही अपनी सुनिश्चित लोकेशन में तैनात
प्रथम दृष्टि आपको दिखाई नहीं देंगे सीआईएसएफ स्नाइपर्स, सीआईएसएफ स्नाइपर्स आप देख सकते हैं मैदान में सीआईएसएफ स्नाइपर्स। पूछताछ पर यह भी पता चला कि हमलावरों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था उसमें आईडी अर्थात बम है। आपका ध्यान मैदान की दाहिनी ओर ले जाना चाहूंगा जहां एक्सप्लोसिव से भरा हुआ अबैंडन वाहन है। बीडीडीएस एक्सपर्ट स्पेशल एक्सप्लोसिव चार्ज के साथ परित्यक्त अबैंडन इस व्हीकल की ओर बढ़ते हुए। मैं आपका ध्यान पुनः मैदान की दाहिनी ओर लेके जाना चाहूंगा। अभी आपको दिखाया जा रहा है बीडीएस एक्सपर्ट द्वारा स्पेशल एक्सप्लोसिव चार्ज के साथ परित्यक्त इस वाहन की ओर बीडीडीएस टीम बढ़ते हुए और उसको निष्क्रिय करने की कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि यह विश्व की एक आधुनिकतम तकनीक है एवं आईडी को किसी भी स्थान पर बिना छुए डिस्टर्ब किया जा सकता है। बड़ा धमाका लेकिन कंट्रोल्ड, यह विश्व की एक आधुनिकतम तकनीक है और आईडी को किसी भी स्थान पर बिना छुए डिस्टर्ब किया जा सकता है। आपने देखा कि आईडी प्लांटेड व्हीकल में बिना प्रवेश किए कंट्रोल एक्सप्लोजन द्वारा आईडी को निष्क्रिय किया गया। इस तकनीक के प्रशिक्षण में सीआईएसएफ को विशेषता हासिल है। यह प्रदर्शन देश के नागरिकों